जिला कलेक्टर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पूर्व में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसमें जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने अब एक बार फिर आंशिक संशोधन किया है, जिसके तहत अब 1 अगस्त से 3 अगस्त तक लगाए गए लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों व बाहरी क्षेत्रों से आने जाने वालों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी हुए नए आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि आगामी आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 12 बजे से सोमवार के प्रातः 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला प्रशासन ने 1 अगस्त की रात्रि 8 बजे से 3 अगस्त के प्रातः 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इस तरह से ईद और रक्षाबंधन दोनों ही त्यौहार लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहकर मनाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने घर पर रहकर ही दोनों त्यौहार मनाने होंगे। आपको बता दें कि 1 अगस्त को ईद है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन। प्रशासन ने अपने आंशिक संशोधन में 1 अगस्त की रात्रि 8 बजे से 3 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया है, जिससे दोनों ही त्यौहार लॉकडाउन के दायरे से बाहर है और 2 अगस्त को टोटल लॉकडाउन है, लेकिन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में दी गई छूट का लोगों को नियम के तहत पालन करना होगा, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है।